अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ बदयुज़मान है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। आप देख रहे हैं बरवक्त इलाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश भट्टी। डॉक्टर दानिश एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज का हमारा मौजू है सर दर्द। अगर कोई मरीज है जिसके सर दर्द है, जिसको रहता है या जिसको पहली दफा भी हुआ है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो सर दर्द के मरीज में मुआयने में देखना बहुत जरूरी है? तो मुआयने में हमें अगेन वही चीज जरूरी है कि कोई ऐसी कोई सुरख झंडी या रेड फ्लैग तो नहीं है जिसकी वजह से हमें टेस्ट कराने पड़े, या कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है जहन के अंदर। खतरनाक चीजें जो बड़ी रेयर है, आपको अक्सर नहीं मिलती फॉर्चुनेटली, लेकिन अगर वो हो तो आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे सर का दर्द दिमाग में ब्लीडिंग से खून निकलने से भी हो सकता है, शरियान फटने से भी हो सकता है, दिमाग में रसोली से भी हो सकता है। तो इस वजह से उन चीज़ों को मिस करना जो ना वो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। इस वजह से हम इन रेड फ्लैग्स को ढूंढते हैं। मुआयने में एक तो जो मोटी बात तो ये है कि अगर आप उसकी जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जाम या न्यूरो एग्जाम, वो आप करके ये देखें कि उसको कहीं पे कोई एक ऐसी चीज कमजोर तो नहीं जिसे आप कह सकें कि दिमाग में कहीं पे कोई असर है किसी खास हिस्से में। तो जैसे आप अगर आप चारों हाथ पर उसकी ताकत को चेक करें, स्ट्रेंथ को, और आपको लगे कि जी दाया हाथ या बायां पैर कमजोर है, उसमें पूरी जान नहीं है, तो ये इसका मतलब है दिमाग में वो हिस्सा जो उस जगह कंट्रोल करता है वो सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक हिस्सा है। इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं फोकल। तो फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन या एबनॉर्मेलिटी किसी एक जगह का कमजोर होना दिमाग के, पूरे ओवरऑल जान ना होना वो चीज नहीं है कि जी वो बस जिस्म में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करती। लेकिन अगर एक पैर काम नहीं कर रहा है, एक हाथ है, एक उंगली या एक बाजू या एक कंधा, वो खतरनाक है। इसी तरह जब सेंसेशंस को देखते हैं कि एक जगह सुनी हुई है या एक जगह में छूने का पता नहीं चल रहा या काटने का पता नहीं चल रहा, वो खतरनाक है। बैलेंस इसी तरह कि अगर एक हाथ का या एक पैर का या एक साइड का बैलेंस सही नहीं है, मैंने नज़र का कहा, अगर पढ़ने में नज़र एक साइड से सही नहीं पड़ रही, एक आंख या देखने का आधा हिस्सा जो है वो सही काम नहीं कर रहा, बोलने का मैंने कहा था देखें कि वो पढ़ सही लेते हैं, आपके पीछे जुमले दोहरा लेते हैं, जुबान लड़खड़ा तो नहीं रही, आप जो उनको करने का कह रहे हैं उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा दिमाग में प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है जो कि एक हेडेक की वजह हो सकती है। तो अगर खास तौर पर हेडेक नया है, पहले कभी नहीं हुआ, या खास तौर पर अगर हेडेक बहुत सख्त शदीद है, तो आंख के अंदर देखना जिसको हम फंडोस्कोपी कहते हैं या थर्मोस्कोपी कहते हैं, वो इंतहाई जरूरी है क्योंकि बड़ी आसानी से आप वहां देख सकते हैं कि दिमाग के अंदर का प्रेशर कहीं बड़ा तो नहीं हुआ, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। वो आंख के पीछे उसका कनेक्शन है नर्व के साथ, जो रग के साथ जो कि दिमाग की तरफ जाती है, और वहां तक प्रेशर आता है और वो सूज जाती है, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क एडिमा कहते हैं। वो अगर आप एक दफा सीख लें तो इतना मुश्किल नहीं है, और तो वो इंतहाई ईजी और बहुत जरूरी टेस्ट है। अगर आपको वो प्रेशर नजर आ जाए या उसका शक भी हो जाए, तो उसको फौरन इन्वेस्टिगेट करना, उसको फॉलो करना बड़ा सख्त जरूरी है। तो ये मोटी मोटी दो चार चीजें हैं जो आप जहन में रखें। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हमने वीडियो बनाई है इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप लोग मजीद भी कोई सवाल सरदर्द के हवाले से पूछना चाहते हैं या कोई और चीज है या कोई और मौजू है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए मैं समझती हूँ कि हमने काफी बात कर ली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदर, थैंक यू।